वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो हाईवे। फ्रेंड्स, अभी आप हमारे साथ देख रहे हैं कि मैं अबाड़ी, जो कि सोनभद्र का एक खास पर्यटन स्थल है और इसे मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है, मैं यहां पर आया हुआ हूं और पूरी तरीके से प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरी निगाहें जहाँ जहाँ तक जा रही हैं ऊँचे पहाड़ हैं और पहाड़ों पर अच्छे जो है आपको देख सकते हैं कि अच्छा वन क्षेत्र दिखाई दे रहा है और यहाँ पर घूमने भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। अभी मैं बात कर रहा था, कुछ लोग जो है बगल में ही एक टाउनशिप है रेणुकूट, हिंडालको के नाम से मशहूर है, तो वहाँ से कुछ एम्प्लॉयज़ की टीम यहाँ पर छुट्टियाँ वीकेंड मनाने आए हुए थे और उन लोगों का टेंट आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे वीडियो में टेंट दिख रहा है। उन लोगों ने अपनी सारी व्यवस्था की थी, छोटा मोटा उन लोगों ने कुछ कॉम्पिटिशन टाइप का रखा था और जिसको वो इंजॉय कर रहे थे, इस तरीके से वो यहाँ घूम रहे थे। उन लोगों का यहाँ अक्सर आना होता है। इसी तरीके से मैं जब चला तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर मैं, जैसे अभी कोई न्यू ईयर नहीं चल रहा है, ऐसी कोई पार्टी का वक्त नहीं है, तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर अभी इतनी भीड़ होगी। बहुत भीड़ यहाँ देखने को मुझे मिली और SPM जो कि सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ककरी है, बगल में आपके अनपुरा से आगे एक इंटर कॉलेज है, वहाँ के कुछ बच्चे यहाँ पर आए हुए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे और उन लोगों ने काफ़ी मज़ा लिया यहाँ पानी में। बहुत उनको आनंद आया, बहुत उन्होंने यहाँ पे पानी में तरह तरह के खेल खेले और उनका पानी से बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स, ये जगह जो है इस समय काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है और इस समय सोनभद्र के पर्यटन के नक्शे पर भी इसे देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इस समय घुमा रहा हूँ, ये खास जगह है जिसको मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है, इसे अबाड़ी बोलते हैं और यह मेन हाईवे से 10 किलोमीटर अंदर पड़ती है और ये सोनभद्र के पर्यटन मानचित्र पर इसका एक खास स्थान बन चुका है और आपको यहाँ पर नए साल पर, न्यू ईयर पर काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है, लोग पिकनिक मनाने आते हैं। अलावा इसके आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे भी कुछ खास अवसर होते हैं, जैसे कि बारिश के समय यहाँ पर जब पानी काफ़ी अच्छा हो जाता है नदी में, तो लोग पानी का बहाव देखने और पानी में खेलने आते हैं और आसपास की जो लोकेशन है काफ़ी मूड को फ्रेश करती है। आपको कह सकते हैं कि प्राकृतिक नज़ारे और जो नेचुरल साइट्स को घूमने के बाद जो एनर्जी मिलती है, उससे काफ़ी आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो बहुत से लोग अपनी थकान मिटाने यहाँ पर आते हैं। जिस तरीके से मैं पानी देख रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पानी में काफ़ी अच्छी धारा है और पैर रखने पर ऐसा हो रहा है कि बालू ही बालू है, तो बालू बह जाने से बीच बीच में पैर सरक जा रहा है और पानी काफ़ी साफ है यहाँ का। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं, आप देखते हैं कि जगह जगह टूरिस्ट का जाना आना होता है, लोग सैर करने जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं, बावजूद इसके वो घूमने के साथ साथ वहाँ पर थोड़ा प्रदूषण करते हैं। जैसे कि आप कुछ चिप्स के पैकेट्स ले गए, कुछ बिस्कुट वगैरह और कुछ खाने पीने के जो सामान ले जाते हैं, कुछ ड्रिंकिंग वाटर ले जाते हैं, तो वो ऐसी चीज़ों को डिस्पोज ऐसी जगह पर ना करें जहाँ पर कि घूमने की जगह होती है। वहाँ पर उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप घूमने आए हैं और घूमने वाली जगहों पर इस तरीके का प्रदूषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जगह आपकी ही है और आप इसे जितना सुंदर बनाए रखेंगे, ये सभी कुछ आपके लिए ही है, तो इसमें आपका योगदान होना चाहिए। देश आपका है, स्थान आपका है, पर्यटन स्थल आपका है, इस तरीके से आपको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि कुछ गंदगी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिन तक भी ये मेरा वीडियो पहुँचे, वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर जब भी वो घूमने आए तो इस अवेयरनेस के साथ आएँ, दूसरों को भी अवेयर करें कि यहाँ पर आने पर वो इस तरीके का कोई प्रदूषण ना करें। Thank you.
सर, ये अबाड़ी जगह जो है जहाँ आप आए हुए हैं, डेफिनेटली आपको अच्छी तो लगी ही होगी। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कहाँ से आए हैं और कैसे मतलब यहाँ आने का मन हुआ आप लोग का। हम लोग रेणुकूट से आए हैं, वहाँ हम लोग बिरला कार्बन में काम करते हैं। हमारी कंपनी की पिकनिक आई है, इसमें सारे एम्प्लॉयज, उनके वाइफ, फैमिली मेम्बर्स सब लोग आए हुए हैं। अच्छा, और खाना पीना भी बन रहा है यहाँ पे। तो इस लोकेलिटी में ये जो अबाड़ी है ये सबसे नेचुरल है जी, और यहाँ साफ पानी है। इवन आप इस पानी को पी भी सकते हैं, इतना स्वच्छ है ये पानी। तो इस रीजन से जगह भी काफी खुली हुई है। अच्छा। पेड़ भी है, तो पिकनिक के लिए बहुत सुटेबल जगह है ये। इसी वजह से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और आप देख रहे होंगे काफी स्कूल के बच्चे भी आए हैं, काफी दूसरे लोग भी आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ आप लोग हर साल आते हैं। नेचुरल ब्यूटी तो वाकई में है, और हम समझते हैं यहाँ से आप लखनऊ तक जाएंगे तो ऐसी ब्यूटी नहीं मिलेगी जो सोनभद्र में। और हाल ही में थोड़ा सा हम लोग के प्रयास से जो है, पिछले डीएम जो अमित कुमार थे, अमित सिंह थे, उन्होंने कुछ मतलब प्रपोजल हम लोग का एक्सेप्ट किया था, जिस वजह से इसको टूरिज्म के नक्शे पे लाने का प्रयास किया गया है। आप देखेंगे हाल ही में बोर्ड लग गया है जी। एक ही जगह नहीं, वो जगह जगह लगा है, जो जो चिन्हित की गई है जगह, तो सभी जगह बोर्ड लगा है। तो आप लोगों को कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। और हम तो पहली बार आए, चूंकि बहुत दिन से हमारा, अच्छा हर साल आते हैं, क्योंकि मैं बहुत सुना था कि ये जगह जो है इस क्षेत्र में मिनी गोवा के नाम से जानी जाती है, और इंटरनेट पे और लोगों के पिकनिक स्पॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी चर्चा में रही है जगह। तो यहाँ का भी मुझे थोड़ा सा कवरेज करना था अपने ब्लॉग के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आप लोग अपना यह जो कुछ आप लोगों ने यहाँ का व्यू दिया है, ओपिनियन दी है अपनी, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। तो डेफिनेटली सर्च करिएगा, और ये अबाड़ी के नाम से आप जब सर्च करेंगे तो उसमें एक चैनल आएगा इन्फो हाईवे। तो इन्फो हाईवे में जो लेटेस्ट वीडियो मैं कल या परसों में डालूंगा उसमें आप लोग दिखाई देंगे। तो थैंक यू सो मच। यहां पर अभी जब मैं आया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी कोई ऐसा, कोई न्यू ईयर नहीं है, कोई ऐसी पार्टी का कारण नहीं है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतनी भीड़ होगी। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ककरी के यहाँ पे बहुत से बच्चे आए हुए हैं, वो पिकनिक मना रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आपको बच्चे खेलते कूदते अटखेलियां करते पानी में नजर आ जाएंगे। देखिए सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ जूम करके कैमरा, यहाँ पर बच्चे जो है ये पानी से इनका मन ही नहीं हो रहा है कि बाहर निकले, उनको बहुत ही आनंद आ रहा है। और चाइल्डहुड डेज में ऐसा होता भी है कि बच्चों को, ये बच्चों के लिए बहुत मजेदार जगह होती है, ऐसी जगह जहाँ पे वो पानी में खेल सकें, दौड़ सकें। तो बच्चों कैसा कैसा लगा, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत मजा आया। तो आप लोग नहा चुके हैं? तो मन नहीं कर रहा है, तो कब तक निकलना है? क्या जल्दी है क्या निकलने की? अच्छा अच्छा, तो मैं देख रहा था बहुत देर से सारे बच्चे खेल रहे थे। ये देखिए क्या बेटा, क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छी बात है। ये पार्क नहीं है, ये जो है पिकनिक स्पॉट है। हाँ। और इसको बोलते हैं अबाड़ी। अबाड़ी मतलब इसको कुछ लोग कोर्ट में बोलते हैं मिनी गोवा के रूप में। तो जिस तरीके से पानी यहाँ दिखता है, जिस तरीके से बालू दिखता है, यहाँ पे लोगों को खेलने बहुत मजा आता है, तो इसको मिनी गोवा के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी जो है यहाँ पर बहुत मस्ती किए? मस्ती करने के बाद मन नहीं कर रहा जाने का?
जाना तो पड़ेगा क्योंकि फिर रात हो जाएगी, रात के पहले निकलना है। तो आप लोग निकलेंगे तो फिर आइएगा यहाँ पर, ठीक है। आइए देखिए कुछ स्कूल की बच्चियां जो बैठी हुई हैं, इनसे पूछते हैं इनको कैसा लगा यहाँ पर आके। ये यहाँ पर बच्चियां खूब मस्ती की हैं और मस्ती करने के बाद इन्हें भूख लग गई, खाना खा रही हैं, लंच कर रही हैं। तो कुछ स्नैक्स वगैरह ये सब साथ में लेके आई हुई हैं। कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पर आके? पहली बार आना हुआ है कि दूसरी या तीसरी बार? पहली बार आना हुआ है। तो खेल कूद पानी में हो चुका पूरा, तो खेलने के बाद तो बहुत भूख लगती है, तो अब जो है स्नैक्स खाया जा रहा है, तो फिर कब आना होगा? बहुत जल्द। आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है, यहाँ पर रहने वाले जो रहवासी हैं वो यहाँ पर पारंपरिक तीर धनुष का प्रयोग करते हैं। और बच्चा यहाँ पर जो मुझे दिखाई दिया वो देखिए किस तरीके से तीर धनुष लिया हुआ है और बनाया हुआ है। ये यहाँ पर इन लोगों के बचाव का अपना एक हथियार होता है, एक साधारण सा होता है और आसानी से बन जाता है, जिसका प्रयोग ये अपने रक्षा के लिए करते हैं। बच्चे क्या नाम है आपका? तेज बोलो जरा। रविंदर। पढ़ते हो किस क्लास में? सिक्स में। तो परीक्षा वरीक्षा चल रही है अभी? अच्छा पढ़ते हो ना, पढ़ाई पूरा करना। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ बहुत एंजॉय किया, लोगों से बातचीत की, स्कूल के बच्चे आए हुए थे और बगल में ही एक टाउनशिप है, हिंडालको फैक्ट्री है वहाँ पर, वहाँ के कुछ सीनियर एम्प्लॉयज़ आए हुए थे, उन लोगों ने बहुत अच्छी पार्टी की थी। पार्टी करने के साथ साथ उन लोगों ने पूरा दिन एंजॉय किया था, तो उन लोगों से भी हम लोगों की बहुत सुंदर बातचीत हुई। फ्रेंड्स, मैं ये देख रहा था कि यहाँ पर आपको जो स्वच्छ बहते हुए पानी में जो
वाटर प्ले करने का मौका मिलता है। ऐसा बड़े शहरों में या बहुत सी जगहों में वाटर पार्क जो होते हैं वो बहुत कृत्रिम होते हैं, वहाँ पर आर्टिफिशियल वाटर पार्क में वो मज़ा नहीं आता जो यहाँ बालू और यहाँ पर जो नेचुरल रेत में आपको बहते हुए साफ पानी के बीच में आनंद आता है। तो फ्रेंड्स, बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट जगह है, आप जरूर आएँ, फैमिली के साथ आएँ। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आते समय पर्यटन स्थल को खूबसूरत बनाए रखने में आपका जरूर योगदान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।